आजकल लोग गर्मियों में फेस पर मेकअप टिकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला है जिसमें बहुत सारा पाउडर लिया, फाउंडेशन ऐड किया, उसके बाद फेस पर लगाया, कम्प्लीटली स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ फाउंडेशन में चेंज हो गया। ट्रू। तो चलिए आज मैं आपको यही वाला हैक ट्राई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी फेस पर, तो अच्छी तरीके से मैंने सनस्क्रीन सीरम अपने फेस पर अप्लाई कराया। इसको अप्लाई करने के बाद मैं सेम हैक ट्राई करूंगी। लैक्मे 925 फाउंडेशन मैंने यूज़ किया। इस फाउंडेशन की कवरेज इतनी नहीं है, बिल्कुल लो कवरेज का फाउंडेशन। अब सेम हैक जैसे उसमें शो किया था, इसमें मैंने पाउडर ऐड किया, मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतना सारा पाउडर डाल लिया, अगेन वापस किया। उसके बाद लेने के बाद मैंने सेम जैसा वीडियो में दिखाया था इसको मिक्स करना स्टार्ट किया। यहाँ पर फाउंडेशन जो है काफी ज्यादा थिक हो चुका था। उसके बाद सेम तरीके से मैंने फेस पर अप्लाई किया। मैंने क्या नोटिस किया आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन काफी ज्यादा थिक हो गया, कवरेज भी फाउंडेशन की बढ़ चुकी थी। पूरे फेस पर मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद फेस पर एक ऐसा लग रहा था मुल्तानी मिट्टी लगा ली है। तो फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उससे इवनली ब्लेंड कर लिया। जैसे ही मैंने ब्लेंड किया तो ये ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, नो डाउट। पर नीचे आपको अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा अगर ड्राई स्किन है। तो ये जब मैंने ब्लेंड किया, 1 से 2 मिनट लगे ब्लेंडिंग में। ब्लेंड करने के बाद ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया तो कम्प्लीटली मैट हो गया था, जबकि लैक्मे का फाउंडेशन मैट नहीं है, आपके फेस से निकल जाता है थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद फेस काफ़ी ज़्यादा मेरा प्लेन प्लेन लग रहा था। तो थोड़ा सा मैं आईब्रोज को फिल करने के बाद, ब्लशर लगाने के बाद और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने के बाद आपको फाइनली फेस पर वाटर टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये पूरा लुक जब मेरा कंप्लीट हो रहा है तो ये काफ़ी अच्छी फिनिश दे रहा है। उसके बाद मैंने ग्लास में पानी लिया, गाल पे नहीं यार पूरे फेस पे लुढ़का लिया। चलिए चेक करना है तो अच्छी तरीके से चेक करूंगी ना। एक ग्लास पानी मैंने अच्छी तरीके से अपने फेस पर डाला, तो आप नोटिस कर सकते हैं पानी एकदम साफ है, मतलब फाउंडेशन नहीं निकला। उसके बाद मैंने एक टिश्यू लिया और अच्छी तरीके से टैप किया पूरे फेस पर। मैं टैप टैप करके दिखाऊंगी, इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि टेस्टिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। पूरे फेस पर मैंने इस तरीके से टैप टैप किया और रियली फाउंडेशन नहीं हट रहा था। देखिए ना के बराबर फाउंडेशन हटा है और मेरी स्किन काफी ज्यादा मैट हो गई थी। ऐसा नहीं लग रहा था मैंने कुछ भी ऐसा लगाया, भर भर के कॉम्पैक्ट और मैंने फाउंडेशन लगाया। लास्ट में एक चीज और कर लेना मेरी तरफ से, थोड़ा सा लूट पाउडर अगेन लेके इसको प्रॉपरली सेट कर लेना। बहुत ही अच्छा वाला हैक है, इसे ट्राई करके आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी तरफ से ये पास हो गया है। ऑयली स्किन के लिए तो ये वरदान है, ट्राई करके जरूर देखना। बाय बाय।